एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की रीडिंग जो है हम करने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, कैंडल वैक्स रीडिंग आपके सामने रखी हुई है, वाटर और कैंडल। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और टॉपिक हमारा यही रहेगा कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में अभी इस समय। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही है। आई होप आप सब जो है इस टॉपिक का वेट कर रहे थे, इस रीडिंग का वेट कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि आज जो है हम इसी टॉपिक पे रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो कैंडल वैक्स रीडिंग आज की हमारी रहने वाली है। सो जनरल रीडिंग रहेगी, कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। आपको पता ही है, हमेशा की तरह हम कैंडल वैक्स रीडिंग जो है जनरल रीडिंग और ये करते हैं। ठीक है, और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर मुझे याद आया तो मैं ब्रेसलेट का रिव्यू आपको यहाँ बगल में लगा करके दिखा दूंगी। इस ब्रेसलेट का रिव्यू कितना बेहतरीन उनको आया है। तो अभी मैंने उनको शायद मुझे लगता है कि 15 दिन हुआ उनको दिए हुए। ठीक है, और उनको रिजल्ट मिला है। तो आप लोग भी इसको ले सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके इसको बुकिंग करवा सकते हैं। आपके पार्टनर के साथ जो है आपका कनेक्शन बहुत ही अच्छा करता है ये ब्रेसलेट। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इस ब्रेसलेट की बुकिंग आप करवा सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। ओके, और आज की जो रीडिंग है कैंडल वैक्स के साथ साथ हम जो है टैरो कार्ड रीडिंग भी करेंगे। आपको पता है कि टैरो कार्ड रीडिंग भी हम करते हैं साथ में, तो आज हम टैरो कार्ड रीडिंग भी करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ साथ। ठीक है, सो आप लोग को मैंने सारी बातें बता दी, और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट करके बुकिंग को कन्फर्म करवा सकते हैं। ओके, चलिए अब करते हैं हम रीडिंग को स्टार्ट। यानी कि मैं इसको करती हूँ थोड़ा सा साइड, ताकि हम पहले अपनी हीलिंग कर लें और उसके बाद हम अपनी रीडिंग करें। ओके, तो थोड़ा सा मैं इनको साइड करूँगी, एडजस्ट करते हैं, उसके बाद पहले हीलिंग करते हैं। हमेशा की तरह हीलिंग मैं आप लोग की करती हूँ, ताकि आप लोग कम से कम इससे जो है ना अपनी एनर्जी को क्लियर कर पाएँ। ठीक है, और आपके अंदर जो निगेटिविटी है वो ख़त्म हो पाए। तो आप अपने आप पे फोकस कीजिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए, और जो साउंड आएगा उसको आपको बस सुनना है शांत रह करके। ओके, शांति। चलिए, आई होप आप सबको जो है बहुत ही अच्छा सा एहसास हुआ होगा ये साउंड सुन करके, क्योंकि मेरा माइंड बहुत रिलैक्स हो जाता है ये करते टाइम।
और मैं सुनती भी हूँ आप लोगों की तरह। बहुत ही अच्छी सी एनर्जी यहाँ से क्रिएट होती है और हमारी जो वाइब्रेशन है वो बहुत हाई हो जाती है। ठीक है, ये जो है इसके साउंड से, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आपको ज़रूर सुनना चाहिए। चलिए आज की जो रीडिंग है ये हम करेंगे स्टार्ट। अब आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कीजिए ताकि अब जो है हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट कर सकें। ठीक है, आपने अपने ऊपर फोकस कर लिया, अब अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कीजिए और देखिए कि आपके पार्टनर जो हैं आपको जो है आपसे क्या सोच, आपके लिए क्या सोच रहे हैं या आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, तो फोकस बनाए रखिए, मैं यहाँ पे एनर्जीज निकाल रही हूँ। ओके, आई होप आप सबने अपने पार्टनर को जो है याद कर लिया होगा और फोकस रखा है आपने अपने पार्टनर के ऊपर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने कैंडल को जला लिया है और अब जो है मैं करने जा रही हूं आपकी रीडिंग। ओके, स्टार्ट। प्लीज गाइड करें। ओके, आपके जो पार्टनर है ना, मुझे यहाँ पे ज्यादा फीलिंग्स यही आ रही हैं कि आपके जो पार्टनर है इनका सबसे पहले मुझे साइन दिख रहा है, तो इनका मैं साइन बताना चाहूंगी आप सबसे। इनका जो साइन है यहाँ पे हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, क्योंकि यहाँ की एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन इसी साइन के हो सकते हैं ज्यादातर। ठीक है, ज्यादातर लोगों का साइन आपका या फिर आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। यहाँ पे जो एनर्जी है इसके अनुसार से मुझे नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज्यादा, मैं कहूँगी कि देखो, आपसे पीछा छुड़ाना चाह रहे थे ये कुछ टाइम पहले। बहुत ही ज़्यादा आपको इग्नोर कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम जो है आपको दिखा रहे थे और बहुत ज़्यादा मतलब बता रहे थे कि देखो मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में वो प्रॉब्लम है, और ये छोटा मोटा रीज़न दे करके इन्होंने जो है ना आपसे पूरी तरीके से कट आउट कर लिया। यानी कि ये पर्सन जो है ना आपसे पूरी तरीके से जो है अपने आप को आज़ाद कर लेना चाह रहे थे पहले, कुछ टाइम पहले। ठीक है, और अभी जो है मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन स्टक हो गए हैं। अभी ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टकनेस इनको महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा इनको लग रहा है जैसे कि मैं ऐसा क्यों हो गया हूँ, पहले ऐसा नहीं था लेकिन अचानक से ऐसा, मैं ऐसे क्यों हो गया हूँ, मेरी जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, आखिर क्यों इस तरीके से जो है ना काम कर रही हैं, क्यों मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, मैं अपनी परेशानी से जो है ना एकदम से जूझ रहा हूँ। ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशानियों से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपको लेकर के मैं देखूँ तो देखो, इस पर्सन की लाइफ में भी मैं देखूँ तो ये पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम है और ये पर्सन रियली में आपको जो है अपनी फीलिंग्स, जो इमोशंस बता रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जो है ना एक जो होता है थोड़ा सा बहाना भी है और थोड़ा सा अपना अपनी मजबूरी भी है। ठीक है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे बातें नहीं करते हैं या आपके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं इनका ये देख पा रही हूँ कि इनकी है एनर्जी ऐसी। ठीक है, ओके, यहाँ ये पर्सन एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे लियो की एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है अपने आप के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा जो है ना ये पर्सन स्टक सी एनर्जी में जो हो चुके हैं, इससे जो है ना ये पर्सन खुल के बाहर निकलना चाहते हैं क्योंकि इनको जो है बार 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 आपकी याद आ रही है और ये जो यादें हैं किसी ना किसी के रूप में आ रही हैं, जैसे कि टीवी देख रहे हैं, जैसे कि मोबाइल चला रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका नाम, आपके
जैसा फेस, आपके जैसे आपने जो पसंद किया था वो सारी चीजें जो है ये पर्सन के सामने आने लग रही हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है ना स्टक से यहाँ पे हो चुके हैं और ये पर्सन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा है। ठीक, मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत जो एक फोकस सी एनर्जी है वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं, और फोकस तो है ही ये पर्सन, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके ऊपर पूरी तरीके से ये पर्सन फोकस है और फोकस रह करके ही लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे देखो थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट भी नजर आ रही है, थर्ड पार्टी में आपका लॉन्ग डिस्टेंस है या फिर इनकी जॉब कैरियर जो भी है, बट यहाँ पे है थर्ड पार्टी और इसी की वजह से आप दोनों यहाँ पे आ नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन को लगता है कि आपके साथ फ्यूचर है, आपके साथ इनका फ्यूचर बन सकता है, लेकिन ये कैसे होगा इनको समझ में नहीं आता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं देखूँ ना तो ये पर्सन आजकल ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं कि आपको जो है ना सोशल मीडिया पे किसी और नए अकाउंट से आपको मैसेज करे या फिर आपसे बातें करने की कोशिश करे, क्योंकि आपको आपके बारे में इस पर्सन को जानना है। ठीक है, आपके बारे में जानना है और आपके लिए जो है ना इनके अंदर ये वो खलबली सी मची हुई है। ठीक है, खलबली सी मची हुई है का मतलब यही है कि ये पर्सन के दिल में है आपके लिए वो जो फीलिंग्स होनी चाहिए, वो एनर्जी जो है होनी चाहिए वो है इनके दिल में आपके लिए जो है ना, इनके मन में बहुत ही ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ कि इनके मन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाँ काश काश हम दोनों एक दूसरे के साथ होते, अभी भी होते हैं तो कितना अच्छा रहता है ना, तो ये वाली फीलिंग्स हैं इस पर्सन के दिल में दिमाग में। लेकिन ये कैसे होगा, कैसे क्या होगा, कैसे ये पॉसिबल है ना, तो ये भी सारी चीज़ें जो है ना ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं। और आपके पार्टनर जो हैं, देखो यहाँ पे मैं यही कहूँ कि फ्यूचर तो ये पर्सन जानते हैं कि आपके साथ है कि नहीं है, क्योंकि ये पर्सन सोचते काफ़ी ज़्यादा हैं, गंभीर रूप से सोचते हैं और अभी भी गंभीर रूप से ही सोचते हुए दिख रहे हैं। चूँकि मुझे नज़र आ रहा है ना जैसे कि एक तरफ इनके लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है वो है और एक तरफ आप हैं। ठीक है, तो दोनों में से क्या करे, किसके लिए क्या करे, ये पर्सन को कोई आइडिया नहीं लग रहा है। ठीक, लेकिन यहाँ पे मैं ये भी देखूँ ना तो ये पर्सन अपने फ्यूचर को चूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ ही अपना फ्यूचर भी देखते हैं और देख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ मुझे फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है ना दिल से आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, दिल से आपको पाने की चाहत रखना चाहते हैं, दिल से जो है ना आपके लिए हर चीज़ करना चाहते हैं, हर एक चीज़ करना चाहते हैं, जैसे कि दिल से रिश्ता निभाना, दिल से आपको जो है प्रपोज करना, दिल से आपके साथ जो है सही तरीके से रहना, डिसीजन लेना आपके लिए, है ना। तो ये पर्सन हर एक चीज़ दिल से करना चाहते हैं, दिल से निभाई हुई चीज़ें या दिल से की गई हुई चीज़ें काफ़ी बेहतरीन होती है, काफ़ी अच्छी होती हैं, इस पर्सन का ऐसा मानना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वही है कि जो प्रॉब्लम आ रही है अभी प्रेजेंट में इस पर्सन को लड़ने के लिए या उससे जूझने के लिए थोड़ा सा हिम्मत चाहिए और हिम्मत आपको देनी पड़ेगी, और आप भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को जब भी बात करते हो तो आप पूछते हो कि हाँ क्या प्रॉब्लम है बताओ मुझे, अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो ज़रूर करूँगी, है ना। तो यहाँ पे आपका है ऐसा कि हाँ आप बताओ तो सही, मैं नहीं करूँ तब तो आप बोलना, है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है फोकस रखना चाहते हैं, रहना चाहते हैं आपके ऊपर, रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। तो मैं देखूँ तो ये सारी चीज़ें हैं, बट ये एक जो होती है ना कि हाँ ठीक है देखा जाएगा, करा जाएगा, नहीं करना है, करना है कि नहीं करना है, क्या है ना, सारी चीज़ें देखा जाएगा, बस इनका है ना कि हाँ ठीक है समय मिलेगा तो करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे, ये वाली हाल ये वाली सिचुएशन है इनकी। ठीक है, मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपके जो है आपके लिए काफ़ी काफ़ी कुछ सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना अपनी शादी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैं। ठीक, चाहे आप दोनों की मैरिज हो गई है या इस पर्सन की मैरिज है या फिर आपकी मैरिज है या आप सिंगल हैं, लेकिन ये पर्सन का ऐसा सोचना है कि मैं शादी करूंगा कैसे या उसके साथ रहूंगा कैसे। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो है ना रहना मुश्किल है आप दोनों का। ठीक है, आपके पार्टनर आपके तरफ से चाहते हैं कि आप एफर्ट्स डालें,
आप इनको कॉल करें, आप इनको मैसेज करें, आप इनका हाल चाल पूछें कि हाँ तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है ना। तो ये पर्सन जो है ना ये चाहते हैं, और कहीं ना कहीं मैं देखूँ ना तो आप कुछ और चाहते हो, ये पर्सन कुछ और चाहता है। ठीक, यानी कि लाइफ में जो है ना एक एक जो चाहिए ग्रोथ, ठीक है, तो आप भी चाहते हो कि हाँ ये पर्सन की लाइफ में ग्रोथ आए और आप भी आपके भी लाइफ में ग्रोथ आए। लेकिन क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम तो चल रही है ना, दोनों तरफ प्रॉब्लम चल रही है और दोनों तरफ गंभीर प्रॉब्लम चल रही है। यानी कि आप भी समझ नहीं पा रहे हो कि आखिर ये पर्सन चाहता क्या है या चाहती क्या है ना, क्यों आपके साथ ऐसे कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, है ना, तो क्यों ऐसा होता है, अच्छा नहीं लगता है ना। तो यहाँ पे मैं देखूँ ना तो आपके जो पार्टनर हैं, देखो आपके तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है इस पर्सन को, और ये पर्सन अभी भी सोच सोच करके सेक्सुअली भी इनके दिल में दिमाग में आ रहा है बात, है ना। जैसे होता है ना कि बहुत सारे लोग सपने में ही जो है ना हर एक चीज़ करना चाहते हैं, और वही जो है ना आपके पार्टनर भी जो है ना करना चाह रहे हैं, ठीक है, सपने में। और सपने में सपने कुछ ऐसे हैं इनके जिसकी वजह से जो है ना सपने जो है ना इनके एकदम से बहुत बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं कहूँगी और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ आपके साथ जो ये विजुअलाइज करते हैं कि हाँ ये किस तरीके से आपके पास आ रहे हैं या किस तरीके से जो है ना आपको टच कर रहे हैं, ये थोड़ा सा विजुअलाइज करते हुए मुझे ये पर्सन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि आपके आपके जो एनर्जी है इसके अनुसार से, देखो ये पर्सन को रेड कलर पसंद हो सकता है या आपको रेड कलर पसंद हो सकता है, क्योंकि ये आज हमने कैंडल भी लिया है रेड कलर का, और रेड कलर के लिए मुझे सिग्नल भी आ रहा है कि इनकी एनर्जी काफी हाई है। ठीक है, एनर्जी बहुत हाई है, और यहाँ पे मुझे ये भी नजर आता है जैसे कि ये पर्सन के अंदर एक अलग से ही जो है ना, मतलब एक एक दो एक जो पछतावा होता है ना वो इस पर्सन के नजरों में मुझे नजर आ रहा है कि पछतावा हो रहा है इस पर्सन को, और इतना ज्यादा पछतावा हो रहा है कि ये जो पर्सन है ना बहुत ही एक एक अजीब सा दर्द है जो कि ये पर्सन बता नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा है, और बहुत एक अपने आप को जो होता है ना कि ऐसा समझ रहे हैं ना जैसे कि आप इनके फीलिंग्स और अपने इमोशंस, इनके इमोशंस को अब नहीं समझोगे, क्योंकि आप जो है ना अब इनको उतना ज़्यादा जो है ना उतना ज़्यादा जो है सीरियस नहीं लेते हो, तो थोड़ा सा मुझे ये नज़र आ रहा है इस पर्सन का। और ये पर्सन तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं आपसे बात करने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं है इनके दिल में। ठीक है, मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि इनके दिल में तो है, उनके दिल में वो चीज़ें जो है ना हट नहीं रही हैं, ख़त्म नहीं हो रही हैं, और कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना कहीं ये पर्सन चाहते हैं कि या तो आप बदल जाओ, आपके अंदर कुछ बदलाव आ जाए, या फिर इनके अंदर कुछ बदलाव आ जाए। ठीक है, क्योंकि ये जो पर्सन है आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, और देखो आप कितना भी इस पर्सन से भागने की कोशिश करते हो लेकिन फिर भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आ ही जाते हैं। ठीक है, आ ही जाते हैं, आपका ये मानना है। ठीक है, और ये जो पर्सन है ना आपको अपनी विश भी मांगते हैं, मतलब कि एक जो होता है ना कि हाँ अपने ख्वाहिशों में, अपनी उम्मीदों में, अपने सपनों में, है ना, आपको मांगना है ना, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इसे एक ख्वाहिश होती है ना लोगों की, बहुत आपने सुनिया होगा कि हाँ तुम मेरी ख्वाहिश हो, तुम मेरी तमन्ना हो, ये हो वो, तो यहाँ पे वही है कि आपके पार्टनर जो है ना आपको अपनी ख्वाहिश मानते हैं, आपको अपनी तमन्ना मानते हैं, दिल से प्यार करते हैं आपको। और दिल से ही मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन एक होता है ना कि कुछ लोग जो होते हैं कि टाइम पास के लिए आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन इस पर्सन का ऐसा भी नहीं है कि ये पर्सन टाइम स्पेंड करने के लिए या फिर टाइम पास करने के लिए बस आ गए आपके पास और टाइम पास के लिए
आपको यूज कर लिया, ऐसा भी नहीं है ये पर्सन का। ये पर्सन आई थिंक आप सोच लेते हो कि हाँ ये पर्सन ने आपको बस टाइम पास के लिए ही जो है ना यहाँ पे यूज किया है, तो ऐसा नहीं है। ये पर्सन की एनर्जी मुझे ऐसी फील नहीं करवा रही है, ऐसी एनर्जी नहीं है इस पर्सन की जिसके कारण से मैं देखूँ कि हाँ यहाँ पे इस पर्सन को ऐसा कुछ फील होता है, तो नहीं मुझे नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ आपकी एनर्जी में। चलिए कुछ कार्ड्स में देख लेते हैं, कुछ कार्ड्स निकालते हैं आपके एनर्जी के अनुसार से और आपके पार्टनर के एनर्जी के अनुसार से कि क्या होगा इन फ्यूचर। ठीक है, ओके, तो कुछ कार्ड्स निकालते हैं। ये कार्ड का मैं यूज करूंगी आज, देखते हैं कि क्या होगा इन फ्यूचर। प्लीज मुझे गाइड करें एंजल्स, प्लीज मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। नाइन ऑफ कॉइन्स, एकदम से मैंने कहा था ना कि आपके जो पार्टनर है ना ये कॉल का मैसेज का इंतजार करते हुए दिख रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपसे जो इन्होंने उन्हें सीखा है उनके लिए ही बहुत बेहतरीन है और वही सारी चीजें जो है ना आपके सामने आ रही हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये जो पार्टनर है ना आपकी आपके दिखाए रास्ते पे ये पर्सन चलने वाले हैं। इन फ्यूचर में देखूँ तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि नहीं अब फ्यूचर में जो है ना हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। और हालांकि थोड़ा सा आप स्ट्रिक्टली इस पर्सन से बात करते हो कभी कभी जो कि इनको पसंद नहीं आता है, लेकिन फिर भी ये पर्सन सोच रहे हैं कि नहीं अपनी कन्फ्यूज़न को और कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे किसी और की बातों में आकर के। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपको बहुत कुछ बोल भी देते हैं तो वो जो है ना नहीं करना है इस पर्सन को। फाइनली अब ये पर्सन समझ चुके हैं, यहाँ पे ये पर्सन जान चुके हैं और ये पर्सन डिसीजन लेने वाले हैं। मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन डिसीजन लेंगे आपके लिए और हार्डली डिसीजन लेंगे, यहाँ पे क्लियरली तरीके से डिसीजन लेंगे और डिसीजन यही होगा कि यहाँ पे अब इनकी कन्फ्यूज़न को दूर रखना है और आपकी वैल्यू को पहचानेंगे आपके पार्टनर और आपकी लाइफ में वापस आएंगे। यानी कि सब कुछ छोड़ करके आपकी लाइफ में वापस आने के लिए पर्सन डिसीजन ले लेंगे और तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे वापस। ठीक है, नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड बता रहा है कि ये पर्सन जल्द ही कोई ना कोई डिसीजन लेंगे आपके लिए। ठीक, मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि जल्द ही इनके चांसेस हैं आपके लिए कोई डिसीजन लेना, कुछ ऐसी क्लियर बातें करना जो कि ये पर्सन कर नहीं पा रहे थे कुछ टाइम पहले भी। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है ना आपके लिए डिसीजन लेंगे और डिसीजन ऐसा होगा जो कि आप दोनों के लिए बेहतर होगा। ठीक है, आप दोनों के लिए बेहतर होगा, बेस्ट होगा। ठीक, मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ आपकी एनर्जी के अनुसार से। तो आई होप रीडिंग आप सबके साथ रेजोनेट की होगी। रीडिंग रेजोनेट की है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले रीडिंग में, बाय बाय।